स्टैमिना के हिसाब से टाइम डिसाइड करो, आप बेशक एक घंटा भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। मूवी में कोई इतना इंग्रॉस्ड होता है कि जब वो गया था देखने सिनेमा में तो धूप थी और जब वो बाहर निकला तो अंधेरा था, या कमाल है ये अंधेरा टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला। यही चीज जब पढ़ाई में आ जाएगी ना तो एक्चुअली नंबर ऑफ आवर्स मैटर ही नहीं करते। आप घड़ी देख करके अगर कहोगे मैं 3 घंटे पढ़ूंगा तो आप 15 मिनट में उब जाओगे, बिल्कुल तो टाइम ही नहीं बीत रहा, घड़ी की सुनिया हो गई। और अगर आप अपने मन से हृदय से पढ़ रहे हो तो आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ मेलिट। और आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जो 12th पास कर चुके हैं और नीट की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा प्रतीक सर आपसे, तो सर कोई लेट्स से एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने कभी कोचिंग ही नहीं ली है और अब 12th पास के बाद वो ये कोर्स ले ले हमारा, तो क्या नीट क्रैक करना संभव है? डेफिनेटली संभव है। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो 12th पास करके ही नीट की प्रिपरेशन करते हैं। अभी पिछले 7-8 सालों से ऐसा होने लगा है कि 11th-12th के साथ बच्चे करते हैं, पर उससे पहले तो मेजॉरिटी बच्चा जो है वो 12th के बाद ही कोचिंग किया करता था और डेफिनेटली सिलेक्ट होते हैं। क्योंकि देखिए जब बच्चा 12th पास है तो उसको केवल नीट की तैयारी करनी है। हमें ये पता है कि 2 साल का कोर्स पूछा जा रहा है नीट में, बट बच्चे को दिन भर बच्चे के पास यही काम है कि उसको नीट की तैयारी करनी है, बोर्ड का प्रेशर नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है दूसरा, तो वो इजिली क्रैक कर सकते हैं बिना कोई प्रेशर के। तो बेसिकली उसको पता है कि कहाँ फोकस करना है एक जगह। अगर कोचिंग का करिकुलम वो फॉलो करते हैं जैसा टीचर्स बता रहे हैं तो बहुत इजिली बच्चा कर सकता है। ओके, बट सर ऐसा भी तो है ना कि अब इस कोर्स में क्योंकि उसके पास एक ही साल है और 2 साल की पढ़ाई 1 साल करनी है तो मुश्किल नहीं हो जाता थोड़ा? देखिए थोड़ा सा बेसिक्स जो है वो 11th और 12th बच्चा स्कूल में पढ़ा होता है तो बेसिक कॉन्सेप्ट उसे पता होते हैं। नीट का पेपर भी बहुत बेसिक लेवल पे आता है तो इतनी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आती। जैसा मैंने बोला कि जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसका अगर करिकुलम रिगरसली बच्चा फॉलो कर रहा है ना तो उसे बिल्कुल भी पैनिक नहीं होता है, वो इजिली क्रैक कर सकते हैं। ओके ऑलराइट, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दीपिका मैम आपसे। मैम क्या ड्रॉप करना एक सेंसिबल डिसीजन है? सो लेट्स से किसी बच्चे ने 2 ईयर कोर्स भी लिया उसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर आगे क्या उसका उसका डिसीजन होना चाहिए, क्या करना? बिल्कुल, सी दिस इज अगेन स्पेसिफिक टू द चाइल्ड। अगर वो बच्चा बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है कि मुझे क्लियर करना ही है, नीट ही करना है और मुझे कुछ और नहीं करना है, तो बच्चे को क्या करना चाहिए कि वो ड्रॉप ले ले। सी कंपटीशन बहुत हाई है मैम, बहुत सारे लोग बहुत बहुत बार पेपर दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई अपर एज लिमिट नहीं है। राइट, तो आपका अगर एक डेडिकेशन है कि आपको ये नीट करना ही है तो आप डेफिनेटली एक ड्रॉप लेके अपना ट्राई करिए, अपनी पूरी हार्डवर्क और पूरा एफर्ट पुट ऑन करो ताकि आप इसको नीट के पेपर को एक अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लो। राइट, दिस वेरी कॉमन कि बच्चा 2 ईयर के साथ नहीं कर पाता है और वो ड्रॉप लेते हैं। दिस इज द ट्रेंड दैट हैज बीन ऑब्जर्व्ड वेरी कॉमनली, कुछ नई बात नहीं है। बट 1 साल के अंदर क्योंकि तुम्हें अब 2 साल के कोर्स को कवर अप करना है अगेन, यू नीड टू पुट अप द एफर्ट एक्स्ट्रा ट्वाइस द एफर्ट, राइट, ताकि आप उतनी मेहनत के साथ अब एक अच्छी गवर्नमेंट सीट को दोबारा से अपने पास बैक कर सको। वो नेसेसिटी है, वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करेगा। राइट मैम, इसी के साथ मेरा एक लीडिंग क्वेश्चन है कि ऐसा देखा जाता है यूजुअली जो 2 ईयर कोर्स के का जो सक्सेस रेट होता है वो हमेशा बेटर होता है एज कम्पेयर टू दिस जो ड्रॉप करके करते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? 2 ईयर कोर्स में जब भी बच्चा इनरोल करता है तो हमारे पास एक लंबा स्पैन ऑफ टाइम रहता है। बिल्कुल, आप 2 साल का सिलेबस है, आपको 11th करनी है, 12th करनी है, देन यू अगेन डू द रिविजन ऑफ 11th और फिर बोर्ड के लिए बच्चा जाता है। राइट, एंड आफ्टर गिविंग फिनिशिंग ऑफ द बोर्ड्स फिर भी आपके पास एक टाइम 2-3 महीने का बचता है, तब भी बच्चा दोबारा से रिविजन करता है और टेस्ट सीरीज में इनरोल करता है। तो 2 साल के स्पैन के अंदर देयर इज अ एम्पल ऑफ टाइम कि बच्चा रिविजन रिपीटेड रिविजन करता है, तो उस केस के अंदर आपको मेमोराइजेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। बट If I compare to the 12th pass या 1 year के curriculum को लेके तो आपको एक ही साल के अंदर 11th भी करना है 12th भी करना है, तो उस केस के अंदर थोड़ा सा प्रेशर जो है वो स्टूडेंट को लेना पड़ता है कि हम लोगों को ये करना है इसी टाइम स्लॉट इसी टाइम पीरियड के अंदर वी हैव टू कवर अप एवरीथिंग, और वो थोड़ा फास्टर स्पीड पे भी जाता है क्योंकि आपके टेस्ट भी स्केड्यूल रहते हैं, असाइनमेंट्स भी रहती हैं, तो वो थोड़ा सा बच्चे के लिए कोप अप करना लिटिल इट टेक्स लिटिल टाइम। इस वजह से हम कहते हैं कि 2 ईयर जर्नी इज बेटर देन 1 ईयर, बट ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है। 1 ईयर ये हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं थ्रू आउट
कि जो 1 year दे डोंट टेक द एडमिशंस टू द 2 year कोर्स, वो स्कूल ओरिएंटेड रहते हैं और फिर वो ड्रॉपर्स या 12th पास के साथ एडमिशन लेते हैं और उसके टाइम वो अपना पूरा एफर्ट पुट ऑन करते हैं क्योंकि उनको कोई स्कूल दिखता ही नहीं है. अब हमारे पास स्कूल की कोई भी कुछ भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं है. वी आर ओनली फोकस टू व्हाट ऑन क्लियरेंस ऑफ आवर नीट पेपर. तो 12th भी कर सकते हैं और आप 12th पास भी कर सकते हैं. दैट टोटली डिपेंड्स कि स्टूडेंट का प्रायोरिटी और उसका माइंडसेट कैसा है. राइट, ओके. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मनु सर आपसे रहेगा कि ये जो 12th पास कोर्स बच्चे लेते हैं, क्या इसमें कम से कम 10 घंटे देना जरूरी है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं है. बल्कि मुझे लगता है ये थोड़ी सी जो एग्जैजरेट किया गया है, जो बात निकल के आई है ना, ये एक्चुअली स्टूडेंट कम्युनिटी की बात है. अच्छा, जैसे बच्चों की आपस में जो वार्तालाप होती है, जो उसमें मान लो कि किसी ने ऐसे बोला कि अरे तुम्हें नहीं पता कि वो तो उसने तो नीट में टॉप किया था, तो रोज के 12 घंटे पढ़ता था. तो अब ये जो सारी बात निकल के आ रही है ना, ये एक्चुअली जो बच्चों की आपस की बातें होती हैं, जो नेबरहुड टॉक बोलते हैं जिसको, एक तरीके से उसमें निकल के आती है. लेकिन इसमें मतलब जो ये टेक्निकली स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है. In my opinion, you know, as a teacher, you know, it is very clear that the number of hours don't matter. What matters is what you do in those hours. तो कभी कभी एक घंटे दो घंटे में किया हुआ काम 5-6 घंटे किए हुए काम को भी overtake कर जाता है. Right. In terms of efficiency and in terms of you know performance. दूसरा जो सबसे जरूरी है, मतलब जो मेरी बच्चों को भी एक guidance रहेगी, नंबर ऑफ आवर्स तो चलो हो भी जाते हैं बच्चे, क्योंकि सिलेबस का वॉल्यूम ही इतना है कि आप उसको कवर करते करते ऐसा भी नहीं कि घंटे हो जाते हैं. 10 तो खैर बहुत एग्जैजरेटेड फिगर है. जो कुछ भी उन घंटों में कर रहे हो सकता है आप बहुत एफिशिएंटली कर रहे हो, उसको वैलिडेट करना बहुत जरूरी है कि क्या नीट के लिए यही करना था कि नहीं. कभी कभी क्या होता है, जैसे नीट का पेपर तो NCERT से आता है. अब लोग क्या है कि बायोलॉजी में गाइटन पढ़ने लग जाएंगे, केमिस्ट्री में IL-FINAR पढ़ने लग जाएंगे, यू नो फिजिक्स में रजनी हैलिडे पढ़ने लग जाएंगे. जबकि इन ऐसा तो नहीं है कि वो सब ज्ञान नहीं मिल रहा, बिल्कुल मिल रहा है. लेकिन इन किताबों की नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई आवश्यकता ही नहीं थी, इनकी कोई जरूरत ही नहीं थी. जब NCERT से और मॉड्यूल्स जो इंस्टीट्यूट मेरिट के जैसे मॉड्यूल्स हैं, इनसे आपके सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी नीट की कंप्लीटली फुलफिल होती हो, तो फिर मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो एफर्ट मतलब जो है वो गलत था. पढ़ तो फिजिक्स ही रहे थे या पढ़ तो केमिस्ट्री रहे थे, बट राइट डायरेक्शन में नहीं. बिल्कुल. तो 10 घंटे तो खैर एक फॉल्स फिगर है. ऑफ कोर्स ये स्टूडेंट की आपस की बातें होती हैं. आप बेशक 2 घंटे पढ़ो रोज के, ठीक है, एक तो वो पढ़ो जो आपके टीचर ने आपको कहा है पढ़ने के लिए. तो यू हैव टू बी टोटली अंडर द निर्देश एंड द आदेश ऑफ योर टीचर, के उन्होंने आपको कहा कि आप ये चीज आपने इस बुक से पढ़नी है, मॉड्यूल से पढ़ना है, या ये NCERT से आपने पढ़ना है, तो आप उसको पढ़ो. दूसरा, उसको अच्छे से करो, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करो. क्वांटिटी तो जो टाइम के साथ आएगी, क्वालिटी इंप्रूव करो. जो लास्ट वर्ड है मेरा इसके अंदर, वो सिर्फ 2 वर्ड ही हैं, रोज करो. चाहे आप 2 घंटे पढ़ो, चाहे 1 घंटे पढ़ो, लेकिन आप इसे रोज करो, कंसिस्टेंट रहो. बिल्कुल. अगर आप ये कहोगे मैं 5 घंटे पढ़ता हूँ, चलो सर तो कह रहे 10 घंटे एग्जैजरेशन है, पर 5 घंटे पढ़ता हूँ, लेकिन उसके बाद एक दिन पढ़ने के बाद मैं 5 दिन कुछ नहीं करता हूँ, बिल्कुल, तो उन 5 घंटों में एक्चुअली अगर उसको 1 घंटा 5 दिन डाल दिया जाए, तो है वो 5 आवर्स ही, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत डिफरेंट आएगा. उससे आपको हैबिट आएगी, एक प्रैक्टिस बनेगी, और आपकी एक नियमित आपका एक यू नो समय सारिणी ऐसी बन जाएगी जिसमें आप उसको कर सकोगे. है 5 घंटे ही, लेकिन व्हेन यू डू इट 1 आवर एवरी डे, इट गिव्स यू अ टोटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव वर्सेस डूइंग 5 आवर्स इन 1 डे. राइट राइट. सो माय आंसर टू दिस विल बी, अपने स्टैमिना के हिसाब से टाइम डिसाइड करो. आप बेशक 1 घंटा भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो धीरे धीरे पढ़ भी जाएगा, बट उसका इंक्रीज नेचुरल होना चाहिए, अंदर से आना चाहिए. आप घड़ी देख करके अगर कहोगे मैं 3 घंटे पढ़ूंगा, तो आप 15 मिनट में उठ जाओगे. बिल्कुल. अरे तो टाइम ही नहीं बीत रहा, घड़ी की सुइयां रुक गई. और अगर आप अपने मन से हृदय से पढ़ रहे हो, तो आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा. बिल्कुल. दोपहर की शाम कब हो गई. हमारे साथ कई बार ऐसा होता है, सबके साथ होता है. आप इनफैक्ट अगर कभी मूवी देखने जाओ, तो मूवी में कोई इतना इंग्रॉस्ड होता है कि जब वो गया था देखने सिनेमा में तो धूप थी, और जब वो बाहर निकला तो अंधेरा था. तो कह या कमाल है, ये अंधेरा टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला. यही चीज जब पढ़ाई में आ जाएगी ना, तो एक्चुअली नंबर ऑफ आवर्स मैटर ही नहीं करते. बिल्कुल, बिल्कुल. ये इनकी फिगर कोई मैटर नहीं करती, इसका कोई मतलब है नहीं.
10 आवर्स जो है वो टोटली स्टूडेंट टॉक है। मुझे लग रहा है सर ये 10 आवर्स सोशल मीडिया का टाइम जोड़ के होगा। बिल्कुल हो सकता है, ये बिल्कुल आजकल के टाइम में बिल्कुल हो सकता है। राइट राइट। और राइट सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि 12th पास कोर्स में स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट सीरीज की क्या इंपॉर्टेंस है? जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का शुरू से ही फॉर्मेट रहा है ना, वो बहुत टाइम बेस्ड फॉर्मेट रहा है। राइट। यानी कि हमारे पास समय कम होता है और सवाल ज्यादा होते हैं, तो तभी मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो कोचिंग है उसके अंदर शॉर्ट ट्रिक्स का, निमोनिक्स का, यू नो शॉर्ट मेथड्स ऑफ वर्किंग आउट क्वेश्चंस का, कभी कभी स्ट्रेट अवे आंसर तक आ जाने का की बड़ी इंपॉर्टेंस रही है यू नो इस चीज की, क्योंकि हम टाइम के अंदर फंसे हुए होते। पेपर का उतना डिफिकल्टी लेवल नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो बहुत ही नियमित समय के अंदर अंदर आपको करना होता है, इसलिए वो एक ऑटोमेटिक डिफिकल्टी लेवल लेता है। अब मान लो क्लास के अंदर मैंने किसी को कोई शॉर्ट ट्रिक पढ़ाई या सर ने पढ़ाई है, यू नो कोई शॉर्ट तरीका बताया करने का, अब ये तो हमने बताया, अब उस वो बच्चा इस चीज को प्रैक्टिस कैसे करेगा? राइट। तो प्रैक्टिस करने का जो ग्राउंड होता है ना, वो टेस्ट सीरीज होती है। बिल्कुल। टेस्ट सीरीज मल्टीपल रीजंस की वजह से इंपॉर्टेंट है। सब मैं बच्चों से भी ये सवाल पूछ सकता हूँ यू नो, और मैं इसका एक बड़ा सिंपल इसका आंसर भी दे सकता कि जब आपका नीट का पेपर स्टार्ट होता है तो आप सबसे पहले कौन सा सेक्शन करोगे? बायो करोगे, फिजिक्स करोगे, केमिस्ट्री करोगे? अब सवाल है कि ये हर स्टूडेंट का अलग अलग है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर शुरू में एंजाइटी ज्यादा होती है तो हम बायो करेंगे, क्योंकि बायो से क्या होता है कि वो थ्योरेटिकल होती है, हमको आंसर आ जाएंगे और हमारा जो शुरू का हाफ एन आवर एंजाइटी का होता है एग्जाम स्टार्ट होने में, तो हमारा वो निकल जाएगा। कुछ बच्चे जो उतने एंग्जियस नहीं होते, वो कहते सर हम तो पहला सेक्शन फिजिक्स करेंगे क्योंकि हम उस समय फ्रेश हैं, हमारा ब्रेन एक्टिव है, ताजे हैं बिल्कुल, हम जितनी कैलकुलेशन और ये सब कर सकते हैं। जब थक जाएंगे थोड़े से तो उस समय तो बायो भी हो जाएगी, ऐसी पर है। तो है क्या कि आपको कौन सा पैटर्न सबसे ज्यादा सूट करता है? बिल्कुल। आप एज अ स्टूडेंट आपके लिए कौन सा, तो इसको कैसे आप पता लगाओगे? इसके लिए तो आपको रोज टेस्ट देना पड़ेगा ना, एक टेस्ट से तो पता नहीं चलेगा। तो आप जब कंटिन्यूअस टेस्टिंग करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि अरे एज माय पर्सनालिटी, एज इन माय पर्सनालिटी, दिस फॉर्मेट ऑफ गिविंग द पेपर सूट्स मी द बेस्ट एंड इसमें मेरा स्कोर मैक्सिमाइज होता है। तो हो सकता है कि मैम एक पेपर दें और मैं एक पेपर दूं और हम दोनों के पेपर अटेम्प्ट करने का जो टेक्निक है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो, लेकिन हमारा स्कोर सेम आ रहा है। बिल्कुल। तो ऐसे में टेस्ट सीरीज विल प्ले अ मेजर रोल। टेस्ट सीरीज बेसिकली आप मान के चलो कि अगर क्लासरूम क्लास है तो टेस्ट सीरीज लैब है, वो प्रैक्टिकल्स हैं जो हम करते हैं, जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जो हम केमिस्ट्री लैब में या बायो लैब में फिजिक्स लैब में करते हैं वो नीट की कोचिंग में टेस्ट सीरीज होती है। Right. तो अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की या टेस्ट सीरीज नहीं दी तो आप लैब में कभी गए नहीं। तो आपको थ्योरी थ्योरी पता है लेकिन आपको एक्सपेरिमेंट नहीं पता। Right. तो एक्सपेरिमेंट होगा तो रिजल्ट आएगा। तो इसलिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बच्चों बहुत 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 जरूरी होता है, तभी आप एक तो टाइम एडजस्टमेंट कर पाओगे, वरना लिमिटेड टाइम में पेपर खत्म ही नहीं होगा। बिल्कुल। कुछ लोगों के पेपर छूट जाएगा तो भी तो बेकार हो गए ना प्रिपरेशन सारी। तो वो टाइम एडजस्टमेंट प्लस जो उसका स्कीम है आपकी बनाने की कि भाई मैं कौन सा पहले करूं कैसे करूं, वो सब टेस्ट सीरीज से ही पता चलता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर करना चाहिए। आई थिंक किसी भी कंपैरेटिव एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट है, आपको पता चलेगा कि आप क्या सही कर रहे हो और क्या गलत कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट नो डाउट। ओके गौरव सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, लेट्स से कोई स्टूडेंट है जिसने 12th पास कोर्स भी कर लिया और फिर भी अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो इस केस में वो स्टूडेंट क्या करे? देखिए, अगर 12th पास कोर्स करने के बाद भी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता, जो कि बहुत क्रिटिकल बात है, क्योंकि बच्चे ना इस चीज को बहुत सीरियसली लेते हैं। उसने बच्चे ने 2 साल अपने 11th 12th में लगाए, उसके बाद 1 साल और लगाया, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो उसके लिए बहुत डिप्रेसिंग हो जाएगा। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर ना उसको हार नहीं माननी चाहिए। अगर वो टाइम दे सकता है, अगर वो बहुत डेडिकेटेड है, तो उसको एक और शॉट देना चाहिए। बट स्टिल इन केस अगर किसी भी रीजन से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो बेटा लाइफ अभी खत्म नहीं हुई है, ठीक है? नीट, MBBS, डेंटल, यही सब कुछ नहीं है, आपके पास और भी कोर्सेज है लाइफ में सक्सेड करने के लिए, और भी ऑप्शंस है आपके पास। तो आपको हार नहीं माननी, आपको अदर ऑप्शंस की तरफ मुड़ना चाहिए, ठीक है? इतनी जल्दी रुकने का कोई मतलब नहीं बनता, आपने अपना इतना टाइम लगाया है, जहाँ डेडिकेशन के साथ इतना एफर्ट लगाया, तो थोड़ा और ही सही। क्या पता आप कहीं और जाके, आपकी नियति में ही नहीं लिखा हो कि आप वहाँ नहीं जाओगे, लेकिन नियति में ये लिखा है कि आप दूसरी लाइन में जाके बहुत सक्सेस पाने वाले हो और बहुत हैप्पी रहोगे। तो आपको ट्राई करते रहना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए,
बस अपना काम करते रहो और डेडिकेशन के साथ लगे रहिए। बहुत बहुत अच्छी बात कही आई थिंक यहाँ पे गौरव सर ने कि शायद वो आपकी नियति में ही ना हो। आई थिंक आईड लाइक ऑल ऑफ यू टू ऐड टू दिस कि बच्चे जो इस सिचुएशन में है, क्योंकि बहुत डिप्रेसिव हो जाता है उनके लिए और प्रेशर, क्योंकि सभी लोगों की वो अपेक्षा होती है आपसे, एक आप प्रिपेयर कर रहे हो, सबकी अपेक्षा है, उस सिचुएशन में उन बच्चों को कैसे डील करना चाहिए सर? आई थिंक भाई मेरे को ये लगता है कि दो, अगर आपने टू ईयर कोर्स किया फिर आपने नहीं सिलेक्शन हुआ, फिर आपने ड्रॉप किया फिर सिलेक्शन नहीं हुआ, गिव इट वन मोर अटेम्प्ट। मतलब एक ऐसी, देखिए होता क्या है ना कि सॉल्यूशंस के अंदर भी एक स्टेट ऑफ सैचुरेशन होती है, आ जाओ सैचुरेशन पॉइंट तक, कम से कम उसके बाद लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। राइट, मतलब आपने उसको फुलफिल करके खत्म करा बिल्कुल, और ये कहा कि भाई मैंने अपना पूरा ट्राई किया, तो मैं सर की बात भी उसमें ऐड कर दूंगा कि नियति है, भाई आपकी नियति उसमें नहीं थी, कोई बात नहीं, ऐसे में आप स्पॉन्टेनियसली किसी दूसरी फील्ड की तरफ डाइवर्ट हो जाओगे। लेकिन नीट को 3 इंडिपेंडेंट फेयर एंड जस्टिफाइबल अटेम्प्ट देने चाहिए। तो एक तो 2 साल के बाद हो गया, एक फर्स्ट ड्रॉप के बाद हो गया, और एक सेकेंड ड्रॉप के बाद आप और दे दो, एंड आई थिंक दैट शुड बी इट। उसके अलावा मैं आई कैन काउंट ए न्यूमरस नंबर ऑफ कोर्सेज यू नो जिनके लिए नीट रिक्वायर्ड नहीं है आज की तारीख में, फिजियोथेरेपी के लिए भी जरूरी नहीं है, इनफैक्ट माइक्रोबायोलॉजी के लिए, बायोकेमिस्ट्री के लिए, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए, इन सब के लिए अभी आज नीट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पैरामेडिकल साइंसेज में ऐसे बहुत सारे कोर्सेज और बड़े अपकमिंग हैं, मतलब आप विश्वास मानो जो ट्रेडिशनल है MBBS BDS तो ठीक है, लेकिन जो आजकल पैरेलल कोर्सेज चल रहे हैं इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में। तो हताश होना तो खैर मेरे को लगता है वर्ड भी यूज नहीं करना चाहिए ऐसे में, यू हैव ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ यू नो स्कोप इन द मेडिकल फील्ड ओनली इन कोर्सेज विच डू नॉट रिक्वायर नीट, है ना? सो उसमें अपनी सिल्वर लाइनिंग गोल्डन लाइनिंग ये, बल्कि इसमें तो बहुत सारा होप है और अपॉर्चुनिटीज है। तो इसलिए नीट को आप, तो होता क्या कि आगे चल गया, बस ये ना सोचे कि नहीं यार एक अटेम्प्ट में और दे देता यू नो तो क्या पता मेरा हो जाता, तो उसको आप जस्टिस करके 3 अटेम्प्ट दे दो, 3 अटेम्प्ट के बाद मेरे हिसाब से फिर छोड़ दे। आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट कि बेटा आपने 2 साल तैयारी करी, एक और अटेम्प्ट दिया, उसके बाद एक और अटेम्प्ट दिया, फिर भी नहीं हुआ आपका अगर नीट, तो बेटा आपने 4 साल किसी एक चीज़ पर बहुत डेडिकेशन लगाई है, ठीक है? आप कॉम्पिटिशन को फेस करने के लिए यहाँ पर तैयार हो चुके हो, आप लड़ने के लिए यहाँ पर तैयार हो चुके हो, ठीक है? तो अगर आप फील्ड चेंज भी करते हो ना, तो वहाँ पर आप जो भी कंपटीशन आएगा या जो भी चैलेंजेस आएंगे वहाँ उसको फेस कर सकते हो, ठीक है? आप प्रिपेयर हो चुके हो। आप लाइफ में अगर फील्ड चेंज भी कर लेते हो तो वहाँ आप सक्सीड होने के आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि आपने कॉम्पिटिशन फेस करना सीख लिया। आज के टाइम पर बच्चे कॉम्पिटिशन से इतना डरते हैं कि वो कॉम्पिटिशन में उतरते ही नहीं, बट आपने तो फेस करना सीख लिया बेटा। तो मैं यही कहूँगा कि पीछे मत हटो, लगे रहो, कहीं ना कहीं सक्सेस ज़रूर मिलेगी आपको। बिल्कुल, आई थिंक बहुत बहुत ही अच्छी बात कही गौरव सर आपने। प्रतीक सर, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग? देखिए मैं स्टैटिस्टिक्स से बताऊं, अगर कि अगर कोई बच्चा है जिसने प्रिपरेशन करी, 2 ईयर कोर्स लिया, और अगर उसके नीट में आप ये मान लीजिए कि अराउंड 250 प्लस नंबर आ जाते हैं, तो वो सोच सकता है ड्रॉप लेने के लिए। बिल्कुल, है ना? अगर 250 से कम आते हैं तो मैं सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि आपने 2 साल डेडिकेट किया है, आपने पूरा कोर्स पढ़ा है, हो सकता है कि आप वो पर्टिकुलर कोर्स में स्कोर नहीं कर पा रहे हो उतने अच्छे से, फिर आपने ड्रॉप भी ले लिया, फिर से आपका स्कोर अगर मान लीजिए कि ड्रॉप लेने के बाद में 350-400 तक पहुंचता है, तो डेफिनेटली फिर आपको लेना चाहिए कि आप एक अटेम्प्ट में फिर डेफिनेटली 600 प्लस या कहीं ना कहीं 650 पहुंच पाएंगे। लेकिन फिर से अगर हमारा स्कोर वही रहता है कि 250 या 300 तक ही रहता है, तो फिर हमें समझ जाना चाहिए कि हम कितनी भी मेहनत करिए, रिस्पेक्टिव ऑफ द हार्ड वर्क दैट यू आर पुट इन, हम स्कोर में मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो उस हार्डवर्क को, तो हमें फिर दूसरे ऑप्शंस देखने चाहिए। और ऐसा नहीं है मेडिकल फील्ड ही एक ऑप्शन है, बहुत सारे एन नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं जहां पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो उसमें उसको देखें और आगे बढ़ें। बिल्कुल दीपिका मैम, आपका क्या कहना है इस बारे में? आई गेस द सेम थिंग, यू शुड ऑलवेज कीप ऑन मूविंग। पैरामेडिकल फील्ड्स आजकल इतनी ज्यादा डेवलपमेंट में है that people are actually looking for the companies are looking for these kinds of graduates, कि हम लोगों को biotechnology graduate मिले, and they are paying very good. आप research करते हैं, just keep in mind कि जो भी आप काम करते हैं you should do it with the full dedication and the hard work and consistency. Obviously one thing that is going to matter all around is the consistency, कि आप वो चीज़ को success पाने के लिए, उस चीज़ में success पाने के लिए कितना
कंसिस्टेंट एफर्ट लगा रहे हैं, एक ही बार एक दिन में काम खत्म करके तो कुछ नहीं होगा. बिल्कुल. यू हैव टू पुट द एफर्ट डेली एंड ऑन द रेगुलर बेसिस सो दैट यू गेट अ प्रॉपर रिजल्ट. तो आप वो अपनी लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट पे लगाएं, एनी एस्पेक्ट, चाहे वो आपकी एजुकेशन है या फिर एनी अदर थिंग यू वॉन्ट टू डू, दैट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी फ्रूटफुल. तो नॉट ओनली विद रिस्पेक्ट टू द नीट, आई वुड से आप जरूर एफर्ट पुट ऑन करिए. अगर आप दो साल बाद एक और ड्रॉप लीजिए, आपको लगता है कि यू कैन डू दिस, प्लीज गो ऑन एंड ट्राई इट, सिंस यू थिंक कि आप लोगों को एक एफर्ट है. बट उसके बाद आपको लगता है कि अगर नहीं हो पा रहे, प्लीज मूव ऑन टू सम अदर फील्ड सो दैट यू कैन ट्राई देयर एंड पुट योर एफर्ट टू द मैक्सिमम. राइट, सेम स्टोरी. ऑल राइट. आई थिंक इस पूरी कॉन्वर्सेशन का जो जिस्ट है वो यही है कि आपको एक्सप्लोर करना चाहिए एक पॉइंट के बाद. yes. जब आपको समझ में आ जाए कि अच्छा ये हमारी नियति में नहीं है तो अब एक्सप्लोर और भी करना चाहिए. आई थिंक आपको वो ओपन रहना चाहिए उन चीजों को लेकर. सो आई थिंक आज का जो डिस्कशन रहा है वो सिर्फ हमने कोर्स रिलेटेड नहीं, बहुत सारी ऐसी बातें करी हैं जो पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और इवन टीचर्स भी जो हमें देख रहे हैं उन सबके लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई थिंक हम ये सीरीज जो है कंटिन्यू करेंगे, इस और भी डिस्कशंस लाते रहेंगे. अगर आपके भी कुछ भी ऐसे टॉपिक्स जो आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें, हमारी फैकल्टीज उन टॉपिक्स के ऊपर बात करें, तो प्लीज़ प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में हमें बताइए. थैंक यू फॉर वॉचिंग अस.